दोस्तों, हर बैंक, हर क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपको अपने ग्रीवांसेस सेल की, अपने डिस्प्यूट सेल्स की पूरी जानकारी अपने अपने वेबसाइट पर जरूर देती है, पर प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग उन आपकी पहुंच उन तक नहीं होती है, जिस वजह से आप लोग क्रेडिट कार्ड और लोन के जो अनऑथराइज ट्रांजेक्शन होते हैं या अनवांटेड ट्रांजेक्शन होते हैं या आपकी कोई परेशानी होती है, आप उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं और बैंक की जो दूसरी टीम होती है वो चार्ज पे चार्ज लगा के आपको कर्जों के जाल में फंसा देती है। COVID-19 के बाद बहुत सारे लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं इंफॉर्मेशन होने की वजह से वो फंस गए हैं, पेमेंट करने में दिक्कत हो रही है, पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, लोन रीस्ट्रक्चरिंग भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके जो नियम कानून हैं उन्हें मालूम नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे वो लोग अप्लाई कर रहे हैं और वो बैंक उसको डिनाई करे जा रहा है। ऐसे कुछ टॉपिक को लेके आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे एक व्यूवर्स ने पूछा है कि सर, उनके क्रेडिट कार्ड में बैंक ने ऑटो डेबिट लगा दिया है और वो उनको रिमूव कराना चाहते हैं। वो क्रेडिट कार्ड SBI का है, तो हम उस क्रेडिट कार्ड को कैसे ऑटो डेबिट को रिमूव या डीएक्टिवेट करवा सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन देंगे। और अगर आपका कोई ऐसे ही अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हो जाता है और आप उसको कैसे कंप्लेंट करके वापिस उस ट्रांजेक्शन के आप भागीदारी नहीं बने, यानी कि बैंक की देनदारी हो जाए, आपको क्या करना है, यानी कि ट्रांजेक्शन की डिस्प्यूट को आपको कैसे सॉल्व करना है, वो इन्फॉर्मेशन भी इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ। अगर आप SBI का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम की है। आप किसी अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और ऑटो डेबिट को अगर हटवाना चाहते हैं, देखिए बैंक बहुत समझदार होता है। अगर आप जिस बैंक में सैलरी अकाउंट है और उस बैंक का क्रेडिट कार्ड अगर बनवाते हैं तो वो अपने आप ही ऑटो डेबिट के फॉर्म पे साइन करा के आपको ऑटो डेबिट लगा देते हैं। ऑटो डेबिट लगाने से आपको क्या क्या घाटा होता है, फ़ायदा क्या होता है, यह भी मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं हूँ अब्दुल और आप देख रहे हैं। कैसे हो आप लोग? दिल्ली में ठंड बहुत चरम सीमा पर है। शरीर, हाथ पांव जब दिल्ली में काम नहीं कर रहा है तो बताइए, हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों का, हमारे सेना जो उन पहाड़ी क्षेत्रों पे अपना गश्त कर रहे हैं, उनकी क्या हाल होगी, सोच के भी शरीर में सिरन हो रहा है। तो दोस्तों, बात करने जा रहे कि ऑटो डेबिट को कैसे रिमूव किया जाए। उससे पहले बात कर लेते हैं कि ऑटो डेबिट होता क्या है। दोस्तों, ऑटो डेबिट का मतलब होता है कि आपके अकाउंट से क्रेडिट कार्ड का बिल आने पे अपने आप मिनिमम जो आपका अमाउंट बनता है बैंक आपके अकाउंट से ले ले, उसको ऑटो डेबिट कहा जाता है। अगर आप ऑटो डेबिट लगवा देते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड का, मान लीजिए 1 लाख का लिमिट है, आपका 50,000 का आपने खर्च किया और उस 50,000 का जो 5% है बिल जो आया वो बैंक अपने आप आपके अकाउंट से ले लेगी। बाकी आपको टाइम मिलता है देने के लिए जो भी है, लेकिन वो एक तय सीमा पे आपका ऑटो डेबिट आपके अकाउंट से निकाल लेगी। अगर उस टाइम आपका पैसा नहीं है अकाउंट में तो बाउंस हो जाता है और बाउंसिंग चार्ज भी लगता है, आपको नहीं पता चलता, इस वजह से आप परेशान होने लगते हैं कि मेरे पैसे कहाँ कट रहे हैं। तो ऑटो डेबिट क्रेडिट कार्ड में लगाना उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जिनको पेमेंट करने में नहीं मालूम है कि कैसे कैसे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया जाता है, और जिनको मालूम है कि हम अपने क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स को किस किस मोड में कर सकते हैं, उनके लिए यह ऑप्शन बिल्कुल बेकार है। तो दोस्तों, अगर आपके क्रेडिट कार्ड में बैंक ने ऑटो डेबिट लगा दिया है, आपको नहीं पता है, तो मैं इसमें SBI का प्रोसीजर बता रहा हूँ, लेकिन आप अदर बैंक का किसी का भी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, आप उसमें भी इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं कि ऑटो डेबिट को कैसे रिमूव करना है। तो ऑटो डेबिट रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मेट में बैंक के नाम या क्रेडिट कार्ड कंपनी के नाम आपको लेटर लिखना है। उस लेटर में आपको अपना नाम लिखना है और नाम के बाद अपना क्रेडिट कार्ड नंबर लिखना है और आपका जो अकाउंट है जिससे ऑटो डेबिट हो रहा है वो अकाउंट नंबर लिखना है, ये जो लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, और फिर वो सारा चीज़ लिखने के बाद आपको नीचे साइन करना है और अपना नाम लिखना है और जिस बैंक में आपका अकाउंट है या जिस बैंक में आपका क्रेडिट कार्ड
जो मास्टर बैंक है वहाँ जाके उसको जमा कर देना है। अब कुछ बैंक में क्या होता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड डिवीजन अलग होता है, बैंक एक अलग एंटिटी होती है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI क्रेडिट कार्ड एक अलग चीज़ है, SBI बैंक एक अलग चीज़ है। तो आपको वहाँ पे इनकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे मेल आईडी ढूंढना है और PDF में इस लेटर को उनको मेल लिख के सेंड कर देना है और बाय कूरियर भी आपको ये चीज़ भेज देना है। मैं जैसे अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दिल्ली का मैं हेड ऑफिस है इनका गुड़गामा में, तो वहाँ की मेल आईडी और वहाँ का एड्रेस अगर आप बोलेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाके ले सकते हैं। या ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, आप अपना परेशानी लिखिए कि आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और आपको मेल आईडी और एड्रेस उसका चाहिए, तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा जहां पे आपको यह लेटर भेजना है अपना ऑटो डेबिट डीएक्टिवेट करने के लिए। अब हम आगे बात करते हैं कि हमारा कभी कभी क्या होता है कि हमारा क्रेडिट कार्ड का जो होता है, हम कहीं पे पेमेंट कर रहे होते हैं और पेमेंट अनऑथराइज हो जाता है या 2-3 पेमेंट हो गया, हमारे अकाउंट से पैसे कट गए, तो उस चीज़ को वापस लेने के लिए हमें कितने दिन का टाइम मिलता है। देखिए RBI की गाइडलाइन के अंतर्गत ये सारी प्रॉब्लम को बैंक सॉल्व करने में 60 दिन का टाइम देता है कि आपकी अगर कोई भी परेशानी है तो बैंक उसको 60 दिन में सॉल्व कर दे, लेकिन बैंक आपको 25 दिन का टाइम देता है अनऑथराइज ट्रांजेक्शन के डिस्प्यूट में, ठीक है ना। तो उसमें आपको क्या है, डिस्प्यूट फॉर्म के साथ आपका जो परेशानी है, एक डिस्प्यूट फॉर्म होता है, हर बैंक का अलग अलग तरीका होता है, आप उसकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है तो आप आइए व्हाट्सएप में, मैं डाउनलोड करके जिस भी बैंक का है मैं आपको भेज दूंगा, आप उसमें अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, अपना ट्रांजेक्शन नंबर, आईडी और जो भी जिस समय जहां जो कुछ हुआ है आपको सारा कुछ भर के बाकायदा PDF में आप उसके साथ एविडेंस लगा के आपको बैंक की मेल पे करना है या फिर आप उसको एनवेलप में डाल के उनकी जो बताए गए एड्रेस होते हैं वहाँ पे आपको भेजना होता है। जैसे किसी बैंक का चेन्नई में है, किसी का मुंबई में, किसी का दिल्ली में, तो अलग अलग बैंकों के एड्रेस आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। हम आपको थोड़ा ऑनलाइन भी दिखा रहे हैं कि बैंक क्या कहता है अपनी वेबसाइट पे, हम SBI का आपको दिखा रहे हैं दोनों चीज़ में कि आपको ऑटो डेबिट के लिए कैसे आपको फॉर्म डाउनलोड करना है और डिस्प्यूट में आपको कहाँ से कैसे फॉर्म डाउनलोड करना है और इन बैंकों की अथॉरिटी बैंक को क्या कहता है इस बारे में। तो चलिए इनकी वेबसाइट पर चल के आपको बाकायदा स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ बताते हैं। डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शन का आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जो है उसका आपको SBI कार्ड को 25 दिन के अंदर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर आपको ट्रांजेक्शन डिस्प्यूट फॉर्म यानी कि TDF फॉर्म और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह भर के आपको भेजना होता है बैंक के मेल पे या बैंक की जो मतलब लीगल टीम होती है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आप इसको 25 दिन के अंदर नहीं करेंगे तो वो पैसा जो होगा डिस्प्यूटेड अमाउंट वो आपके ही देनदारी होगी, ठीक है। TDF सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो होता है वो टाइमलाइंस के अंदर ही भेजना होता है, अगर आप नहीं भेजेंगे लाइबिलिटी नहीं होगी, वो ट्रांजेक्शन आपकी होगी, ठीक है। और दोस्तों इनका जो होता है TDF ट्रांजेक्शन डिस्प्यूट फॉर्म वो आप इनकी वेबसाइट पर भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं कि क्या होता है। अब एक सवाल आता है कि आपको क्यों, Why am I required to fill a transaction dispute form to report transaction dispute? तो इसका कारण ये होता है, मास्टर वीज़ा जो होती है पेमेंट सर्विस, वह अगर उनके कारण डिस्प्यूट हुआ है तो कार्ड होल्डर अपना जितना भी ट्रांजेक्शन का वो है वो मेंटेन डिटेल देगा, तभी बैंक है ना उस अथोराइज एजेंसी को आपके बिहाफ पर अगर वो मांगेंगे या मर्चेंडाइज मांगेगा या कोई मेंबर बैंक मांगेगा तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो प्रोवाइड कर देंगे जो आप ट्रांजेक्शन डिस्प्यूट फॉर्म यानी कि TDF के थ्रू आप लगाएंगे। आपको पता है ना कि एक ट्रांजेक्शन में कितनी अथॉरिटी काम करती है, आपको पता है कि मास्टर वीज़ा जैसी एजेंसियां काम करती हैं, मर्चेंडाइज काम करता है, बैंक काम करता है और ट्रांजेक्शन की मेंबर बैंक्स काम करते हैं, ये सारे लोग काम करते हैं। तो सबको आपकी तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे उनको अगर मान लीगली मांगेंगे तो दिखाना पड़ेगा।
अगला क्वेश्चन आता है कि डू आई रिक्वायर डॉक्यूमेंट्स टू राइज डिस्प्यूट, तो इसका आंसर है यस। अगर आपको डिस्प्यूट्स फाइल करना है या कैंसिलेशन कराना है तो रिफ़ंड लेना है तो आपको ये सारी चीज़ें बैंक को देनी ही पड़ेगी TDF डॉक्यूमेंट्स के साथ हर टाइप के डिस्प्यूट में। तो एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक जो आप लोगों को बताया कि RBI की गाइडलाइन ये है कि आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी से डिस्प्यूट है, ये तो मैं SBI के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन अदर किसी बैंक के साथ हो तो भी RBI की गाइडलाइन सबके साथ है कि उनका कहना है कि 60 दिन के अंदर आपकी जो भी परेशानी है वो सॉल्व कर दें। तो 60 दिन के अंदर अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप उसके ऊपर की जो एजेंसी है उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसे ग्रीवांसेस सेल हुआ और अपना RBI हुआ, और अगर आप चाहें तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में भी अपनी परेशानियों से अवगत करवा सकते हैं। ऑटो डेबिट को डीएक्टिवेट करवाना चाहते हैं तो उनका डीएक्टिवेट नहीं बैंक करता है या कोई दिक्कत होता है, तो उसका एक बड़ा ही सा आसान सा चीज़ है कि अगर आपको अपना ऑटो डेबिट को कैंसिलेशन करवाना है तो उसको एक फॉर्म को भर के, ठीक है ना, ये जो फॉर्म है आपको SBI की वेबसाइट पे जाके भी मिल जाएगी और फॉर्म सेंट्रल पे जाके आपको डाउनलोड करना होता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्लेम फॉर्म कम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस बुक माई शो का इतिहाद का है, इतिहाद डिक्लेरेशन का है, ठीक है ना, अलग अलग है। तो अगर आपको ऑटो डेबिट को कैंसिलेशन करवाना है तो उसके लिए सैंपल ऑटो डेबिट फॉर्म कैंसिलेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑटो डेबिट फॉर्म हर बैंक का, SBI का देखिए, जैसे कि बहुत सारे लोग बैंकों के साथ टाई अप है, जैसे यूनियन बैंक के साथ भी है, सिटी यूनियन बैंक के साथ, कॉरपोरेट के साथ भी है, ठीक है ना, इलाहाबाद बैंक के साथ भी है, तो आप सबका अलग अलग है। लेकिन ऑटो डेबिट जो SBI क्रेडिट कार्ड का अगर आपको करना है वो डाउनलोड फॉर्म पे जाइए, ऑटो डेबिट डीएक्टिवेशन लेटर, इसमें आपको डेट टू SBI क्रेडिट कार्ड और उनका एड्रेस लिखना है, SBI कार्ड्स और सब्जेक्ट रिक्वायर्ड फॉर कैंसिलेशन ऑफ ऑटो डेबिट सर्विस ऑफ माय क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना, यह आपको लिखना है। इसमें लिखना है डियर सर और मैडम, और यहाँ पे आई के बाद आप अपना नाम लिखेंगे, होल्डिंग क्रेडिट कार्ड नंबर जो आपका 16 डिजिट का नंबर है वो कार्ड नंबर लिखेंगे, और फिर लिखना है करेंटली ऑटो डेबिट सर्विस फॉर पेमेंट ऑफ माय SBI कार्ड ड्यूज इज एक्टिव ऑन माय बैंक अकाउंट नंबर, आपका अकाउंट नंबर लिखेंगे। उसके बाद आई रिक्वेस्ट यू टू रिमूव दिस ऑटो डेबिट सर्विस फ्रॉम माय SBI क्रेडिट कार्ड ईयर लिस्ट, थैंक यू, अपना नाम और फिर कार्ड सिग्नेचर जो अपना करते हैं वो लिख के आप इसको, इस लेटर को फुलफिल करके आप SBI की वेबसाइट पे भी मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आपका जिस बैंक में अकाउंट है SBI का आप वहां पे भी जाके इसको दे सकते हैं, वो अथॉरिटी भी आपको बताएगी कि इसको कहां आपको फॉरवर्ड करना है, या फिर आप चाहें तो कस्टमर केयर से जब बात करेंगे तो वो आपको चेन्नई का एड्रेस दे देगा या फिर दिल्ली का कोई इनकी जो हेड ब्रांच हो वहाँ का दे देगा, आप वहाँ भी कुरियर कर देंगे। और ये सर्विस आपका 60 दिन के अंदर बैंक को डीएक्टिवेट करना है, यह चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर 60 दिन में ये सर्विस अगर वो आपको भेजने के बाद भी अगर नहीं मतलब रिमूव करते हैं तो फिर आप अपना इस सर्विस को लेकर कंज्यूमर कोर्ट में आप जा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपको ऑटो डेबिट रिमूव करना है SBI क्रेडिट कार्ड का या किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड का तो आप कैसे कर सकते हैं, आपको फ़ायदा क्या होता है ऑटो डेबिट लगवाने से और नुकसान क्या होता है, और अगर आपका कोई अमाउंट डिस्प्यूट हो गया यानी कि अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन हो गया है तो उसको कैसे सॉल्व करके आप अपने पैसों को मंगा सकते हैं, कब बैंक की देनदारी बनती है और कब आपकी देनदारी बनती है, इस वीडियो में मैंने बताया। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए थे तो प्लीज़ कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन दबा के ही जाइएगा ताकि नोटिफिकेशन के थ्रू आपको सबसे पहले पता चल जाए कि हाँ। आपको अगर पढ़ने का शौक़ है तो इन सब टॉपिक पे मेरी वेबसाइट पे आपको लिखित रूप में मिल जाएगा www.ahktips.com, आप जाके वहाँ पढ़ भी सकते हैं।
कोई कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन हो किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड से रिलेटिव, पर्सनल लोन या सेटलमेंट से रिलेटिव, या दोस्तों अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है, आपको कहाँ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल सकता है, आप हमारे से पूछ सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपकी हेल्प करेंगे उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए। और सावधान, आजकल ऑनलाइन फिशिंग बहुत हो रही है। मुद्रा लोन, केसीसी लोन, एमएसएमई लोन के नाम पर आपको मैसेज आता है, आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, वो आपको इंस्टेंट आपको अप्रूवल लेटर दे देता है कि आपका इतने लाख का अप्रूवल हो गया, आप प्रोसेसिंग फीस भेज दीजिए। तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग आपके साथ फिशिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो जो आपको बना के भेजते हैं वो एक फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स होता है। तो दोस्तों, मैं था अब्दुल, आप देख रहे थे AHK टिप्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि ठंड में आपके शरीर को बहुत हानि हो सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।